गणेश जी का नाम लेकर हम शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज शुक्ल सप्तमी है, सूर्य सिंह राशि में है 15 डिग्री पे, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम इसी के ऊपर में अपना क्लास प्रारंभ करेंगे। आज हम बात करेंगे राशि, जिसको साइन भी कहते हैं, नक्षत्र, इनको हम कैसे समझते हैं, भाग चक्र अर्थात जोडियक क्या है और इसमें कौन से स्पेस के डिवीजन किए गए हैं। सर्वप्रथम मैं निर्धारणिका का इस श्लोक की जरूर मैं बात करता हूं। जब भी ज्योतिष के बारे में बात करता हूं, कई लोगों का यह मानना है कि ज्योतिष व्यक्ति को फैटलिस्ट देता है, परंतु बृहदारण्यका का यह श्लोक मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इट सेज यू आर व्हाट योर डीप ड्राइविंग डिजायर इज, एज योर डिजायर इज सो इज योर विल, एज योर विल इज सो इज योर डीड, एज योर डीड इज सो इज योर डेस्टिनी। आप स्वयं अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ज्योतिष इससे कोई भी विपरीत व्यू नहीं लेता है। थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी हमें समझना पड़ेगा अगर हम ज्योतिष के बारे में समझना चाह रहे हैं तो। एक शब्द है एक्लिप्टिक, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, परंतु जब हम उसको अपने जियोसेंट्रिक वेंटेज से देखते हैं, अपनी तरफ, तो हमें यह दिखता है कि सूर्य पृथ्वी की चक्र लगा रहा है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। एक्लिप्टिक एक वह लाइन है जो अर्थ के ऑर्बिट के साथ जहां की मार्ग है उसको दर्शाता है। आपको यह जान करके होगा कि हमारे सूर्य, चंद्र तथा सभी सोलर सिस्टम के ग्रह हमारे ऊपर जो आसमान दिखता है उसके एक छोटे से पोर्शन में चलते हैं। यह पिक्चर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सैटर्न, मार्स, वीनस और मरकरी सुबह के समय एक ही लाइन में आपको दिखेंगे। इसका कारण ये है कि जब ये सोलर सिस्टम को फॉर्मेशन हुआ तो ये सब ग्रह एक डिस्क ऑफ डस्ट से निकले थे जो सूर्य के चारों तरफ थे, और इनको हमने अपने तरफ कैसे एक ही प्लेन में आ गए ये इस बात को दर्शाता है। इसको भी देखें या हमारे जोडियक को समझने के में हमें सहयोग करेगा। क्षमा कीजिएगा, कम पड़ती है तो ये करना पड़ता है। आप ये पाएंगे पिक्चर में, देखें आप कि एक सर्कल बना हुआ है जिसको हम भाचक्र कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको जोडियक कहते हैं। ये जो वर्ष है ये सूर्य का पाथ है और ये बहुत सरलता से चार भागों में बंटता है। ये चार भाग जो हैं ये आप देखेंगे कि मार्च, सितंबर, दिसंबर और जून के भाग होते हैं, जिनको हम लोग इक्विनॉक्स भी कहते हैं और सॉलिसिट्स भी कहते हैं। इन्हीं से इन 12 राशियों का उद्गम उद्भूत होता है। इनमें से
यह एक बड़े इंटरेस्टिंग तथ्य है कि जो चार राशियां जो आगे हम जिनकी बात करेंगे, जिनको मेष, कर्क, तुला तथा मकर कहते हैं, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ये अमूमन इन चार सीजन्स के बिगिनिंग को मार्क करते हैं। पूर्व में और वेस्टर्न जोडियक, ट्रॉपिकल जोडियक में आज भी एरीज का, मेष राशि का 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर हैं तब एंट्री मानी जाती थी सूर्य की मेष राशि में। आज साइन समय ये बताता है कि जिस प्रकार से अर्थ अपने धुरी पे घूम रही है और एक प्रिसिशन हो रहा है इक्विनॉक्स का, तो इस वजह से ये जो प्रिसिशनल साइकिल है ये 25,000 वर्ष की है। इसमें आज जिसको हम ज्योतिष में अयनांश कहते हैं लगभग 24 से 25 डिग्री का होने जा रहा है, अर्थात सूर्य 14 अप्रैल तथा 15 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करता है और इस सर्किल में घूमते हुए एक साल में इस पूरे सर्किल के 360 डिग्रियों को पूर्ण करता है। एक चीज हमें जब हम बढ़ रहे हैं तो समझना पड़ेगी कि जो तीन का विभाजन है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम अपने धर्म में बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। हम तीन गुणों की बात करते हैं जो राजस, तमस और सद्गुण हैं। हम यह भी कहते हैं कि समय अर्थात काल के भी तीन भाग हैं, वर्तमान जो गुजर गया वह कल अर्थात भूत, और आने वाला कल अर्थात भविष्य। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस काल के इन तीन भागों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही नहीं, यदि हम बिहेवियरल साइंसेस और फिलोसॉफी को देखें पिछले कई सौ सालों में, तो यहाँ इन तीन का एक बड़ा बार बार आने वाला एक पैटर्न दिखता है। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक जिस कॉन्शियसनेस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक सबकॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस इसमें से जो बात आपके पास पहुंच रही है क्या ग्रहण क्या नहीं ग्रहण कर रहा है यह पता नहीं। एक अनकॉन्शियस है, उसके अंदर क्या है ये संभवतः किसी को नहीं पता। इसी प्रकार से जब फ्रायड ने बात की तो ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात की, हेगेल ने बात की थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की, और आप स्लाइड में देखेंगे हमने दो बातें, दो और भी फिलोसफर्स के नाम दिए हैं। ज्योतिष में और इन राशि चक्रों में यह तीन का जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम चर अर्थात चलने वाली, मूवेबल और कार्डिनल भाग कहते हैं। एक स्थिर होता है और एक दुअ स्वभाव और म्यूटेबल और डुअल। ये तीन को अगर हमने समझा तो हम राशि को समझने पे कई कदम आगे बढ़े। देखिए राशियों का सभी किताबों में उल्लेख है। मैं जानता हूं कि आप में से यहाँ अनेक विद्वान ऐसे हैं जो ज्योतिष में पारंगत हैं और लगभग आप में से सब ने राशियों के बारे में सुना होगा और कई बार पढ़ा भी होगा किताबों में, और नेट पर ढेर राशियों के बारे में विवरण है। यहाँ मैं आपको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको बताना चाहता हूँ कि ये तीन को आप समझें। आगे हम चलते हैं, हम चार की बात करते हैं। हमने देखा कि द फोर सीजन्स और फोर पार्ट्स ऑफ द ईयर आर वेरी नेचुरल, जिनमें हमने यह पाया कि मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के जो सीजन्स हैं अर्थात मौसम है उसको इंडिकेट करते हैं। आप यह भी देखें कि हर दिन में भी चार भाग होते हैं, एक सूर्योदय, एक मध्याह्न, एक सूर्यास्त, और आज हम जब इस समय आप सबसे संबोधित हैं, साथ बैठे हैं हम लोग, तो हम लोग ठीक सनसेट पे बैठे हैं, 18:33 पे
आज भोपाल का सनसेट है और मध्यरात्रि चार भाग हैं। हमने अपने धर्म में चार पुरुषार्थों की बात कही है, जिसमें हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही है। मैं धर्म को रिलीजन ना मानते हुए कर्तव्य को रूप में इसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अर्थ वह साधन और संसाधन है जिसको लेके आप अपने ड्यूटी को पूरी करेंगे। काम, फिर काम जो पार्ट है वो डिजायर्स का है। डिजायर्स आप जानते हैं कि कभी समाप्त नहीं होते हैं, और आप में से अनेक बहुत कनोसियर्स हैं, तो एक बहुत छोटा सा गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो डिजायर्स हैं, ये माया है, ये माया ही हमको जीवन में उलझाती है। तो आप देखेंगे कि आपके पास साधन और संसाधन तो वही हैं, आप उसमें से अपना धर्म भी कर सकते हैं और उसमें से अपनी ख्वाहिशों को, अपने डिजायर्स को भी पूर्ण कर सकते हैं, और अंत में इसको हम मोक्ष कहते हैं, और यह कहते हैं कि हम जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होकर एक सुपर कॉन्शियसनेस के साथ सम्मिलित हो जाएं। परसों जब हम बात कर रहे थे गणेश जी की, तो हमने यही चार की बात कही थी। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है। बुद्धि मतलब वह इंटेलिजेंस, वह डिसर्निंग जो हम एक ह्यूमन बीइंग के जन्म पे जब जन्म होता है तो हम उसको समझते हैं। यही बुद्धि हमें अपने ड्यूटी की ओर ले भी जाती है और नहीं भी ले जाती है। जब तो हमारी बुद्धि साथ नहीं दे रही है तो हम कई बार धर्म से अधर्म या ड्यूटी छोड़ के अन्य काम भी बहुत बार करते हैं। आपके कार्य की जो परलब्धि है, जो उसका सिद्ध होना है, वह सिद्धि है, और जो आपके अनेक ख्वाहिशें हैं उनको हम वृद्धि के रूप में देखते हैं। हमारे परिवार की वृद्धि, चाहे हमारी ख्याति की वृद्धि, चाहे हमारे पावर की वृद्धि, या हमारे अपने मित्रों की वृद्धि, वृद्धि है जो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। और अंत में जब हमने गणेश जी की कृपा से बुद्धि भी पाली, अपने साथ सिद्धि और वृद्धि को भी बिठा लिया, तो जीवन पूर्ण नहीं होता है, हमको इस जीवन को शुद्ध भी करना है। वह शुद्धता जो है वह जीवन को परिपूर्ण करती है। यहाँ भी हमने देखा कि चार पुरुषार्थ हैं, चार सीजन्स के करस्पॉन्डिंग। इसी का एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो जो हम ज्योतिष में विशेष करके बात को समझते हैं कि चार तत्व हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। ये चार तत्व भी हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो चार तत्व और जो तीन एलिमेंट हैं उनका इंटरप्ले ही राशियों को और सभी प्रकार के ज्योतिष को जन्म देता है। और यह एक कोइंसिडेंस नहीं है कि हम चार आश्रम और चार महीने की भी बात करते हैं, हम उसमें अभी जाएंगे नहीं, समय की कमी है। राशि और नक्षत्र इतना वृहद विषय है कि उसको एक क्लास के आप 20 क्लास में भी करना शायद संभव ना है, पर मैं कोशिश करूंगा। इस पर मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। यह भी आप देखेंगे कि न केवल सूर्य के साथ अपितु चंद्र के साथ प्रत्येक दिन में चार टाइड होती हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उस बात को समझेंगे, दो हाई टाइड और दो लो टाइड। और महीने में चंद्रमा के चार फेज भी होते हैं, जिसमें पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों अष्टमी शामिल है। ये तीन और चार का जब हमने गुणा किया तो हम 12 राशियों पे आए। जो 12 राशियां सन के जो मूवमेंट, अपरेंट मूवमेंट, मैं करूंगा अपरेंट मूवमेंट को, एक साल में यह परिलक्षित करता है। संस्कृत में राशि का मतलब है एक मेजर, ए हीप, ए क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूल ऑफ थ्री इन गणित। तो यहाँ देखिए आप चार और तीन का गुणा करके ये 12 राशियां हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। यह 12 राशियां यूनिवर्सल है, ना केवल ज्योतिष में अपितु समस्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, अरेबिक एस्ट्रोलॉजी में, और विश्व में जहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी है
वहाँ इन 12 सिंबल्स को हर व्यक्ति पहचानता है। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कौन सी राशि किसने पहले बनाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यह 12 राशियाँ आज सब इस ज़ोडियाक में हम समझते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलें, ये आप जो एक चक्र देख रहे हैं, ये चक्र ही राशि को और आगे ज्योतिष की कुंडलियों को बताएगा। ये आपने देखा कि ज़ोडियाक का स्पेस है, ये भाचक्र का जो स्पेस है, इसको हमने 12 भागों में बांट दिया और हर भाग को हमने 30 डिग्री आवंटित किए। ये जो 30 डिग्री है, इसी 30 डिग्री से हम इन 12 राशियों को जन्म देते हैं। तो राशियां क्या हुई, ये राशियां जो इलिप्टिक के ऊपर में, जहां से सभी सूर्य आदि ग्रह तथा चंद्रमा भी यहां से जाते हैं, आप आज भी अगर आसमान में जाके देखेंगे पाएंगे कि मूविंग चीजें हैं, जो ग्रह इत्यादि, वो एक पर्टिकुलर 15 डिग्री के अंदर ही चलते दिखेंगे, उसी लाइन में दिखेंगे। बाकी जो पूरा 360 डिग्री स्काई है, उसमें केवल आपको वो स्टार्स दिखेंगे जो हम जिनको मूव करते नहीं देख सकते, जिनको हम फिक्स स्टार्स कहते हैं। आइए इन 12 राशियों के हम बात करें। यहाँ 1 से 12 तक के जो अंक हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ज़ोडियाक की जो स्पेस है, ये राशि के एट्रीब्यूट समझने में बहुत काम आती है। अगर ज़ोडियाक में 5 नंबर है, तो ये 5 नंबर राशि सिंह राशि है, जो 120 से लेके 150 डिग्री तक के ज़ोडियाक की स्पेस में है। आपकी कुंडली में ये राशि किसी भी बॉक्स में हो सकती है, परंतु 5 नंबर का जो इसका ओरिजिनल, जो इसका दायित्व है, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमेशा इसके साथ चलेंगे। इट्स लोकेशन इन दी ज़ोडियाक स्पेस, एज आई कॉल इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कि यदि पहला नंबर मेष राशि है, तो उसका 0 से 30 डिग्री ही उसका हमेशा पोजीशनिंग रहेगी। जब भी कोई भी ग्रह 0 से 30 डिग्री में आएगा, तब वो मेष राशि में माना जाएगा। और आप देखेंगे कि ये फायर एलिमेंट है और साथ में मूवेबल है। अगर आप नीचे बने चार्ट को देख पा रहे हो, अगर बहुत छोटा ना हो गया हो, तो आप पाएंगे कि ये क्रम में चल रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, और ये 4 का क्रम हो और ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो इनका नेचर है, वो मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल पे चल रहा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप यहाँ 5 नंबर राशि पे पुनः आए, मैं इसलिए आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करा रहा हूं कि यह लियो और इसके अंदर जो स्टार है रेगुलस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल किंग, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई, जो एलिप्टिक पे नहीं है, उनमें कुछ ज्यादा ब्राइट स्टार्स भी हैं, जैसे सीरियस है जिसको डॉग स्टार कहते हैं, परंतु यह स्टार और इसका क्लस्टर जो है, दैट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लिटिल सन। आप जब भी कभी इसको देख पाएंगे, तो आप यह माने कि ये सूर्य के प्रतिनिधित्व करता हुआ ये स्टार है। यहाँ पे अगर हमने 5 नंबर राशि आवंटित की, तो सूर्य के बाद नेक्स्ट जो ग्रह है सौर मंडल में, वह बुध है और मरकरी। मरकरी ऑब्वियसली गेट नंबर 6। उसके बाद आप चलेंगे तो शुक्र है और वीनस है, दैट 7। फिर आप चलेंगे तो यू रीच मंगल और स्कॉर्पियो, एंड दैट इज नंबर 8। फर्दर ऑन यू रीच नंबर 9। हम सौर मंडल में असेंडिंग क्रम से जा रहे हैं, वो आया गुरु। गुरु के बाद आएगा ऑब्वियसली सैटर्न। ये हम केवल सौर मंडल के विजिबल ग्रहों की बात करते हैं, जो और भी ग्रह हैं जिनमें हम यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं, वो क्योंकि आंख से नहीं देखते, इसलिए वो हमारी ज्योतिष में नहीं आए हैं। अब जब हम मकर राशि में आ गए, अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। मकर के बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शनि, गुरु,
मंगल, शुक्र, वीनस एंड फाइनली मून। तो 5 से शुरू करके हम जाएंगे तो हमको इनके ओनरशिप को समझने में आसानी होगी, हमें इसको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये राशियां अगर हम समझेंगे तभी हम ज्योतिष के अपने सीखने के क्रम में आगे बढ़ पाएंगे। ये इसी चार्ट का एक वृहद स्वरूप आप देखेंगे, जहां इंग्लिश और हिंदी नेम, इसका सिंबल, इसका तत्व और एक और यहां इंट्रोड्यूस किया गया है, मेल और फीमेल राशि। देखिए, आज साइंटिस्ट ने जो सबसे छोटा एलिमेंट कहें, जो फिजिकल कह लें या जो भी कह लें, इसको बोसॉन कहते हैं, उसका भी दो पार्ट है, एक स्पिन है और उसका एंटी स्पिन है। यहाँ कुछ फिजिक्स वाले होंगे, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो क्षमा चाहूंगा, बट दो पोल्स जो हैं एनर्जी के, वो हमेशा ही एक चीज, एक क्रम को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने ज्योतिष में मेल फीमेल भी, ऑल इवन राशिज आर मेल एंड all odd rashis are male and all even rashis are female, and we see their element and the lot. ये सब जगह easily available है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम राशि विशेष के ऊपर में आते हैं। पहली राशि मेष राशि, जो आपको आपके बाएं कॉलम में दिखेगा, वो बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो ज्योतिष की सबसे वेल नोन कंपाइलेशन है, पराशर ऋषि को एट्रीब्यूटेड है, उसमें जो परिभाषित है वो मेष राशि के बारे में है। इट इज ब्लड रेड, इट इज प्रोमिनेंट, इट इज स्ट्रांग ड्यूरिंग नाइट, इट डिनोट्स करेज, इट रिजाइड्स इन द ईस्ट। रजोगुण की राशि है, इट राइजेज विद द बैक एंड इट इज फियरी, मंगल इसके रूलर है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे जो इसका एट्रीब्यूट जो देखा गया, पहले तो उसका जो बेसिक बात है, इट इज ए फायर, मूवेबल एंड अ मेल राशि। इसमें एक इम्पल्स होता है, एक एनर्जी होती है, एक एग्रेशन होता है। इसमें कई बार पीपल आर विलिंग टू एक्ट विदाउट थिंकिंग। मेष राशि का जो फ्लो है वो हमेशा नई चीजों को ढूंढना, फोर्सफुल मूवमेंट को इनिशिएट करना, एनर्जी को जल्दी से जल्दी स्पेंड करना, जितना डोमिनेट कर सके करना। मंगल का जो एट्रीब्यूट्स है वो मेष राशि रिफ्लेक्ट करती है। ये प्रथम राशि है, तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव जो भी होगा, क्लास होगी उसमें जो भी होगा, उसमें प्रथम भाव में ये सारे किसी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, भले ही प्रथम भाव में आपकी मेष राशि ना हो करके कन्या राशि हो। तो यह प्रथम भाव का एक फ्लो भी आएगा, मंगल जहां भी होंगे वहां भी मेष राशि की बात आएगी। अब देखिए बड़े सटल यहाँ पे चेंजेस हम आ रहे हैं। यह राशि इज द कैटलिस्ट, इट इज द ट्रिगर, इट इनिशिएट्स। देयरफॉर वेयर एवर यू नीड एनर्जी, यू नीड मंगल, यू नीड मेष राशि, इट इज द स्टार्ट। आगे हम चलते हैं वृषभ और आते हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है, मैं जो इसमें लिखा है वो पढ़ूंगा नहीं, वो आप देख सकते हैं। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो वृषभ राशि का जो स्पेस में स्थान है, जहां पे हमको रोहिणी जैसे नक्षत्र मिलते हैं जो बहुत ब्राइट है, इस यहीं से जो एक सस्टेनेंस ऑफ द अर्थ है वो शुरू होता है, कि जहां पर हार्डवर्क, सिंसियरिटी और ऐसे अनेक आपको
एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जो व्यक्ति बिना किसी कहे सुने अपना काम प्रयास करता जाता है। वह वृषभ राशि है, वो परिवर्तन नहीं चाहता। मेष मंगल परिवर्तन चाहता है कि जल्दी बदलो, देखें आगे क्या है, आगे बढ़ें। वृषभ वह पृथ्वी से एनर्जी को, फूड को उत्पन्न करना चाहता है। उसका सिंबल भी एक बैल का है, वृषभ का है, और वो अर्थ अर्थात मनी जनरेशन की बात है। आप सस्टेन अपने आप को तभी करोगे, आपने आग लगा ली और आप उत्पन्न हो गए, परंतु यदि आपको फूड नहीं मिलेगा तो आप सस्टेन कैसे करोगे। तो यह सेकेंड राशि है। आप ये पाओगे यह राशि जहां भी मिलती है सबसे स्टेबल राशि है, फिक्स्ड एंड पृथ्वी। देखिए मैट्रिक्स में आप देखेंगे पृथ्वी फिक्स्ड होती है और वृषभ पृथ्वी तत्व है और स्थिर है। तो ये स्थिर पृथ्वी जो है ये सबसे स्टेबल पार्ट ऑफ ऑल जोडियाक इसको हम मानते हैं। आगे हम चलते हैं मिथुन राशि। ये जोडियाक के 60 डिग्री पे आती है। ये मिथुन राशि जो है बताया गया कि ये पश्चिम दिशा में है और बुध इसके ओनर है। हम ये भी देखते हैं, आप राइट साइड में देखेंगे कि उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके बोलने के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके रीडिंग हैबिट्स के बारे में, उनके डिसीजन मेकिंग के बारे में, सब के बारे में एक एट्रीब्यूट यहाँ आया है दैट दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल एंड दे आर वेरी गुड रीडर्स। दिस इज द राशि और द स्पेस इन जोडियाक फ्रॉम 60 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज जो कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करती है, जो मैसेंजर है। आपने जो अग्नि लगा करके काम आगे बढ़ाया और फूड उत्पन्न किया, अब इसको इस मैसेज को आगे बढ़ाने की जो बात है इसके ऊपर मरकरी है। यह स्पेस जोडियाक में वो है जो आप अपने बाहुबल पे अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्म को, अपने धर्म को और अपने भाग्य को बदलने का काम अगर आप करना चाहते हैं तो यह स्पेस जोडियाक की सबसे पॉजिटिव है। मरकरी अर्थात बुध जो हमारे ब्रेन के लॉजिक को, एनालिसिस को, रीजनिंग को, इंटेलिजेंस को, सब को रिफ्लेक्ट करती है, परंतु उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है ये कम्युनिकेशन को। बुध अर्थात मरकरी ग्रीक में हर्मस के नाम से जाने जाते थे, जो एक मैसेंजर जिनका बात है। तो ये मैसेज को कम्युनिकेट करना, दिस इज व्हाट इज बुध, और उस मैसेज को कम्युनिकेशन में लॉस करना अर्थात उसका मिस कम्युनिकेट करना भी बुद्धि करते हैं। तभी इसके दो माइंड्स हैं और डिसीजन मेकिंग इनकी क्विक है एंड दे कैन चेंज। अब देखेंगे ये जो एट्रीब्यूट है इस राशि का 60 टू 90 डिग्रीज, दिस इज लार्जली आफ्टर हैविंग गॉट योर सस्टेनेंस फूड एटसेट्रा, नाउ योर माइंड गेट शार्प एंड एक्टिव एंड दिस इज व्हाट इज मिथुन राशि। हम आए कर्क राशि पे। कर्क राशि के बारे में यह माना गया है कि यह सात्विक राशि है। यह सात्विक राशि है, यह चंद्रमा की शीतलता को रिफ्लेक्ट करती है, यह चंद्रमा की बदलती हुई स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है, यह माँ को रिफ्लेक्ट करती है, यह प्रथम एजुकेशन को, प्रथम गुरु माँ ही होती है, तो वो कर्क राशि रिफ्लेक्ट करती है। एलिमेंट्री एजुकेशन कर्क राशि का काम है। तो 90 डिग्री पे जोडियाक में 90 से 100 डिग्री पर है, और जो लोग थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट, प्रणव नाद का प्रारंभ भी कर्क से ही है। यह कर्क जो है ये अपने आप में का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है, यह स्पेस जोडियाक में सेटिस्फैक्शन की, खुशी की है, सुख की है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन, खुशी और सुख जो है इसको रूल करने वाले चंद्रमा है,
जो हमारे ब्रेन के जो राइट साइड से आते हैं, जो हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को और हमारे एस्थेटिक चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं। चंद्रमा लड़ते नहीं है, माँ का स्वरूप, काली का स्वरूप कभी कभी बनता है। चंद्रमा सबको आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यही बैलेंस भी एक बना करके रखते हैं। इनको अपने लाइफ का और वर्क का बैलेंस बनाने में बहुत एक स्ट्रेंथ मिलती है, बट इमोशंस के वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन का भी बहुत ज्यादा स्कोप होता है। यह कर्क की स्पेस है जोडियक में 90 से 120 डिग्री। एंड देन वी कम टू दी सिंह राशि, लियो, दी स्ट्रॉन्गेस्ट राशि विच हैज ओनली वन पैरेलल दैट वी विल कम टू लेटर, बट सिंह इज अ रॉयल राशि। इट इज वर्चुअली द लाइफ फोर्स, इट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इट इज द स्पेस इन द ज़ोडियाक जो फायर है और फिक्स्ड है। फायर और फिक्स्ड जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को साथ नहीं देते, दोनों में कई बार डिफरेंस हो जाता है, बट इसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में इतनी स्ट्रेंथ मानी जाती है दैट इट एक्चुअली गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड एज टू कि किस दिशा में हमको वर्ल्ड को ले जाना है। वो लीडर है, वो सूर्य है, पर सूर्य रोशनी है, वाइटलिटी है, हेल्थ है, मंत्र है और सबसे बड़ी बात फ्यूचर है। यह राशि जो ईस्ट में है और डे में सबसे स्ट्रांग है, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज वेयर आप अपने जीवन में ज़ोडियक के स्पेस में जो छोड़ के जा रहे हो वो यहीं छोड़ के जाओगे। उसमें से ख्याति हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके जेनरोसिटी हो सकती है, पर जो आप छोड़ के जाओगे वो सिंह राशि है। इस राशि की सबसे बड़ी बात यह है कि माँ तो माफ कर देती है गलतियों को, पिता सामान्यतया माना जाता है कि माफ नहीं करते, तो इट इज अ वेरी क्रूअल राशि ऑल्सो, इट नेवर अलाउज यू टू मेक अ मिस्टेक एंड गेट अवे विथ इट। यह स्पेस वो है जो आपको इतना ब्राइट लाइट देगी कि आप उसमें जल भी जाओ, परंतु वही चैलेंज जो है वो आपको स्पेस में आगे बढ़ने का, ज़ोडियक की स्पेस में आगे बढ़ने का रास्ता देता है। मित्रों, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं हर राशि के बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। कन्या राशि 150 डिग्री पर आती है, ये हमेशा इसको ध्यान रखें कि यह राशि कभी भी कहीं पर भी अगर मिलती है तो इसके जो विशेष गुण है वो हमेशा आएंगे। यह राशि पुनः बुध तथा मरकरी होल्ड करते हैं और यह राशि ज्योतिष में बुध की दोनों राशि मानी जाती है कि आप अपने कृत्यों से, अपने एफर्ट से अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। दिस इज दैट पार्ट ऑफ ज़ोडियक जहां लॉजिक, मैनेजमेंट, एनालिसिस, ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड टू द एक्सटेंट दैट जो कन्या राशि के हैं वो अगर ज्यादा फोकस्ड हैं तो माइक्रो मैनेजमेंट इतना करेंगे कि वो काम बिगाड़ भी देंगे। तो वो जो बैलेंस है वो तो कई बार कन्या राशि में नहीं मिलता, परंतु इसमें रेजिलियंस है, इसमें सेवा करने की, एफर्ट करने की शक्ति है। तो ये कन्या राशि ज़ोडियक की हमको समझना पड़ेगा, ये ड्यूअल राशि है। ड्यूअल मतलब इट कैन इधर बी मूवेबल और इट कैन बी फिक्स्ड एंड इट इज अर्थी राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हमको राशि को पहले दो भाग में बांट दें कि यह कौन से तत्व की है, अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल। कर्क हमने देखा जल राशि, जल का पार्ट है, तो सिंह
अग्नि का पार्ट है और यह पृथ्वी का पार्ट है। पृथ्वी स्टेबल होती है, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू कन्या राशि के लिए हमेशा बनता है। अब हम आए वायु तत्व की तुला राशि। वायु तत्व की राशि जो है इसका सिंबल आपने देखा होगा तराजू के रूप में है, बैलेंस के रूप में है। यह जो सिंबल है, यह सिंबल यह बताता है कि यह राशि कितनी सेंसिटिव है। एक जरा सा हवा का झोंका इस बैलेंस को बिगाड़ सकता है। यह राशि वायु तत्व की भी है, इसमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं है जितनी पृथ्वी तत्व में होती है, और यह राशि वायु तत्व के होने के साथ चर राशि है। अब देखिए, तो देयरफॉर दिस इज द मोस्ट इजीली चेंजेबल राशि, क्योंकि इसके दोनों जो तत्व या एलिमेंट्स हैं दोनों मूविंग हैं। इसीलिए ये जो सेवेंथ जो पार्ट है जोडियक का, जो फर्स्ट के ठीक अपोजिट पार्ट बनता है, उसमें जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको बहुत सरलता से हैंडल नहीं हो सकता। यह सेवेंथ राशि दे आर द नेटिव्स ऑफ दिस लग्न, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनका क्रिएटिविटी होता है और एस्थेटिक्स उनका सेंस बहुत होता है। आप अगर मूवमेंट के साथ कोई भी एक्टिविटी देखेंगे, चाहे आप डांस देखेंगे, चाहे आप म्यूजिक देखेंगे, चाहे आप देखेंगे, ऑल दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लिब्रा और तुला, बट इट इज अ वेरी 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 सेंसिटिव राशि एंड इट कैन मेक और अनमेक आपको, आपके जीवन को बनाए या बिगाड़ सकती है, क्योंकि यह जो बैलेंस है, यह हम चूंकि अकेले नहीं है, हम समाज में हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे समुदाय है, हमारा राष्ट्र है, पूरा विश्व है, तो ये सातवां भाव या सातवां राशि जो तुला राशि है, जो इसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें सातवें भाव में पड़ती है। वी कम टू द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ वृश्चिक और द स्कॉर्पियो राशि। दिस इज अ 210 डिग्रीज ऑफ द ज़ोडियक, वी हैव क्रॉस्ड हाफ द ज़ोडियक। यह जल तत्व की राशि है और यह फिक्स्ड है। यहाँ बहुत इसको ध्यान दीजिएगा, जल को फिक्स करना आसान नहीं है, जल फिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग राशि बनती है कि आप जल को फिक्स कब कर सकते हो, जब आप उसको आइस में परिवर्तित कर दो तभी वो फिक्स रहता है, और वो जल की एक नेचुरल जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो नहीं है। तो जब भी यह जल फिक्स से हट करके जब ये आगे बढ़ता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। इस स्पेस ऑफ द ज़ोडियक में हम सब कॉन्शियस को देखते हैं। दिस इज द स्पेस ऑफ द ज़ोडियक व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट। जो हम लोग अभी इस एक से लेके सात तक के हम आए हैं, ये एक से सात तक को अगर हम डेली रूप में देखेंगे तो एक में सनराइज हो रहा है, दो में सनराइज के जस्ट पूर्व जो बिफोर दी सनराइज जो हल्की रोशनी होती है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त के रूप में भी कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट पड़ता है, एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम फॉर लर्निंग। और जो हम चौथे पे कर्क पे हमने बात की थी, कर्क राशि मध्य रात्रि की चंद्रमा का हिस्सा है। सातवां जो हमने तुला राशि की बात की थी, यह सूर्यास्त है, और यह वृश्चिक राशि सूर्यास्त के जस्ट पहले की बात है। दिस इज व्हाट हम इंग्लिश में कहेंगे सब रोजा, जमीन के नीचे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इस एट्थ राशि और स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि से हमें देखने को मिलती है। मैं जो सामान्य पुस्तकों में या कुछ जानकारी अवेलेबल है उससे हटकर के यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे। ये जो बिलो दी सरफेस एक्टिविटी जो है, ये आपका सब कॉन्शियस, हमको यह ज्ञात है विज्ञान से भी
कि हमारा जो कॉन्शसनेस में जो हमारी अवेयर मेमोरी है दैट इज वेरी लिमिटेड. ए लार्जर पार्ट ऑफ व्हाट वी आर इज बिलो द सरफेस. सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन रीच योर सबकॉन्शसनेस. फ्रॉम ये पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द ज़ोडियक हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन व्हाट इज बिलो द सरफेस इन द अकल्ट साइंसेस in the spiritual flow, intuition, the intuitive part of your activity, it comes from Vrishchik or Scorpio. In the normal understanding, Vrishchik ya Scorpio ya aathve rashi ko bahut khatarnak mana jata hai aur jahan bhi main jinko jyotish ke bare mein zara si jankari hai akhbaron mein padha ya नेट पे देखा, वो ये इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे आठवें भाव में तो साहब ये ग्रह बैठे हैं तो मेरे जिंदगी में क्या होगा. तो आपकी जानकारी में बताऊं, परमहंस योगानंद जी हों, चाहे रजनीश ओशो हों, चाहे महर्षि महायोगी हों, इवन अमिताभ बच्चन फॉर दैट मैटर, ये सब आठवें भाव के बड़े धनी है. ये जो आठवां भाव है यह आपको जो एग्जिस्टिंग है उससे हट करके कुछ समझने का अवसर देता है, जो अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है. बट इट रिमेन्स अ मिस्टीरियस राशि, क्योंकि इसमें इसकी क्लैरिटी अभी तक हमको नहीं है कि सब कॉन्शसनेस में क्या है. तो इसमें अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो उसकी निगेटिविटी भी उतनी ही इसमें आ जा सकती है, तो उसको अभी हमें समझना पड़ेगा. नेक्स्ट वी कम टू धनुष राशि on the Sagittarius, the archer, the ninth Rashi, at 240 degrees. For me, this is the most powerful Rashi in the entire zodiac. This space, lauded by Guru, the Sagittarius is almost sitting on top of the Milky Way galaxy, which we see through a telescope. Now we have the Webb telescope also. So what we find here is that aapki duty, aapka dharma, aapki sincerity, aapki generosity, aapki wisdom, aapke pita, aapke bhagya, jo bhagya aap, agar hum pichle purv janam ko maan ke aate hain, to purv janam mein jo humne karm kiye wo ye dhanu rashi ki jo space hai, नाइन्थ राशि 240 डिग्री यह बताती है. यह जैसे मैंने कहा कि राशियों के बहुत बहुत मायने हैं जो शायद हम बहुत जल्दी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. दी राशिज ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जैसे मेष राशि आपके फेस को और आपके हेड को रिफ्लेक्ट करती है, वृषभ राशि आपके कंधे को, आपके थ्रोट को रिफ्लेक्ट करती है, और मिथुन राशि आपके कंधों को और आपके हैंड्स को रिफ्लेक्ट करती है. ये जो नाइन्थ पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, विच इज द फीमर और द थाई बोन. यह वह स्पेस है जिसमें इतनी शक्ति है कि आपके पूरे शरीर को जिंदगी भर उठा करके आपके साथ वो चलता है. यह राशि बहुत शुभ राशि है, और इस राशि का यदि कोई माइनस पॉइंट है इस स्पेस का, तो यह है कई बार वो अपने आप को ना देख करके दूसरों को ज़्यादा देखता है. ये गुरु की विजडम की राशि है, और अगर आपको अपने न केवल धर्म को पूर्ण करना है बल्कि कॉन्शसनेस को इवॉल्व करना है तो भी गुरु की आवश्यकता ही बनी रहती है. वी कम टू द 10th राशि मकर कैप्रिकॉर्न 270 डिग्रीज द साउथ डायरेक्शन. व्हाइल द सन इज ऑन इट्स वे, इट इज ऑन द जेनिथ. यह मध्यान पे जब सूर्य है तो यह 10वीं राशि है. किसी भी दिन में इससे ज्यादा रोशनी कभी नहीं आती. यह कर्म की राशि है.
यह कर्म की राशि है, इसमें आपको अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह कार्य इस स्पेस से रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड द सन हैज इट्स मोस्ट पावरफुल एंड हैप्पी पोजिशन एट दिस प्लेस। तीन स्थानों पर बहुत पावरफुल होता है, जब सूर्य उदय हो रहा है, जब मेष राशि है, जब सूर्य मध्यान्ह पर है अर्थात मकर राशि है। आप तभी पाएंगे कि प्रत्येक वर्ष में मकर संक्रांत का एक विशेष महत्व है। संक्रांत का मतलब सूर्य का राशि का परिवर्तन जब होता है, 12 होंगे क्योंकि 12 राशियां 30-30 डिग्री के, और सूर्य हर दिन 1 डिग्री मूव करते हैं जोडियाक के अंदर, तो यह वह राशि है जो आपको अपने सभी कर्मों को करने के लिए डायरेक्ट करती है, आपको संसाधन देखती है, और इन यह राशि जिसके साथ जुड़ के आपका काम करती है उतनी ही लाइफ में आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाते हैं या मेटीरियल सक्सेस आप पा पाते हैं। इस राशि में मंगल बहुत पावरफुल होते हैं साउथ डायरेक्शन में, और शनि इस राशि के लॉर्ड हैं। तो सूर्य, मंगल और शनि तीनों मिलकर के इस राशि को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि फीमर बोन को रिप्रेजेंट करता है धनु राशि, तो नेचुरली मकर रिप्रेजेंट्स योर नीस और आपके घुटनों को रिफ्लेक्ट करता है। आपके घुटने जब तक आपके साथ हैं, जब आपको स्ट्रेंथ बना रहे हैं, आपकी दिन दिनचर्या, आपकी लाइफ सब बहुत पॉजिटिव चल रही है। So this is the space which is a very powerful space in Zodiac. We move to Kumbh Aquarius, the 11th Rashi. We have now reached 300 degrees of the Zodiac. You would see moving anti-clockwise. यह राशि जो है एरी राशि है और स्थिर राशि है। This is a very very complicated राशि because एरी यानी जो वायु तत्व है वह स्थिर कभी नहीं रहता, दोनों में एक विरोधाभास है। यह राशि इसीलिए कई बार एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके सामने आती है कि आपको अपने नेचुरल तत्व जो फिक्स्ड है वो भी आपको साथ में लेके चलना है, और वायु तत्व आपके साथ बहुत तेजी से चल रहा है, तो देर इज अ लॉट ऑफ डाइकोटोमी। और कई बार इस राशि में लोगों को सामना करना पड़ता है, और परंतु यह भी देखा गया है कि यह राशि भी इंट्यूशन को सपोर्ट करती है। इंट्यूशन को सपोर्ट करने वाली राशियां, जैसे हमने पहले बात की कि वृश्चिक और एट्थ पार्ट ऑफ द जोडिया, 11th पार्ट ऑफ द जोडिया, ऑब्वियसली द टू अदर फिक्स्ड पार्ट्स, द सेकेंड एंड द फिफ्थ ऑल्सो सपोर्ट द इंट्यूशन और समथिंग विच इज नॉट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ कॉन्शियसली, जिसके बारे में आप नहीं जानते। और अब हम 330 डिग्री पे आए, मीन राशि। मीन राशि को रिप्रेजेंट करती है उस अंत को रिप्रेजेंट करती है जो अनंत है, उस समुद्र को रिप्रेजेंट करती है जिसकी गहराई भी नहीं है, नापी जा सकती है और ना चौड़ाई समझी जा सकती है। आप देखेंगे कन्या राशि में अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे तो यहाँ हम बहुत इनफाइनाइट एरिया में आ गए हैं, यहाँ हम सब चीज सरेंडर करने की स्थिति में आते हैं। यह राशि मीन राशि है, सरेंडर करने वाली राशि है, सुनने वाली राशि है और मिस्टिक राशि है। मिस्टिक का मतलब है कि उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इस वर्ल्डली अर्थात जो मटेरियल सक्सेस पे है कि मुझे कैसे पैसा मिल जाए, मुझे कैसे पावर मिल जाए, मुझे कैसे इज्जत मिल जाए, इस राशि को उससे ज्यादा मतलब नहीं है। यह वॉटरी है, जल तत्व की राशि है और ड्यूअल राशि है, यह सबसे ज्यादा सात्विक राशियों में मानी जाती है। परंतु यह राशि में यह भी देखा जाता है यह समाप्त की राशि है, जोडिया के हम अंत पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद
एक नया जोडियाक शुरू होगा, एक नई कहानी शुरू होगी। यह राशियों के ऊपर में एक बहुत संक्षिप्त में प्रत्येक राशि के ऊपर में हम बात यहाँ कर रहे हैं कि इनके जो हम तत्वों में इनको हम विभाजित कर दें, उसमें हम समझें कौन से ग्रह इनको लॉर्ड करते हैं, इसको हम समझें तो हम राशियों को समझ पाएंगे। हम यह भी पाएंगे कि जो क्रम चला आ रहा है तत्वों का, फायर अर्थ एयर एंड वाटर, ये चार चार के तीन साइकिल्स बनती हैं, एक से लेके 120 डिग्री, उसके बाद 120 से 240 और 240 से 360। ये एक दूसरे को रिप्लिकेट भी करती हैं और एक बहुत इसमें अंतर भी होता है। पहली चार राशियां एक तरह से आपके आपके ग्रोथ की राशि है, फिफ्थ से एट्थ तक आपको स्टेबिलिटी देने की राशि है जोडियक का वो पार्ट, और नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपको इवॉल्व करने के लिए अवसर देने की राशि है। इन राशियों के बीच में अनेक संबंध बनते हैं। आप ये पाएंगे कि अगर हमने कहा कि पाइसिस राशि में व्यक्ति को म्यूजिक का नॉलेज होगा, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसको निकल ही है, क्योंकि ये पाइसिस के ऊपर में जब आप इसको अभी हम बेयर जोडियक स्पेस के रूप में देख रहे हैं, पाइसिस के अंदर में क्या कोई उस समय का ग्रह पॉजिटेड है, इससे उसका संबंध है, ये बहुत व्यापक विषय है। परंतु स्टार्ट करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने जोडियक को 12 भागों में बांटा, संक्रांत को सूर्य को एक से लेकर के 360 तक में मूव किया। यह भी आप पाएंगे कि एस्ट्रोनॉमिकली भी ये बड़ा सेंस मेक करता है, और एंशियंट टाइम से सारी सिविलाइजेशन, हमारी तो है ही है, सारी सिविलाइजेशंस ने इस जोडियक को समझा है और इसको आगे बढ़ने की कोशिश की है। वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस आई अपोलोजाइज विल हैव टू बी इवन मोर शॉर्टर, क्योंकि हम ओवरडोज बहुत आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। नक्षत्र जोडियक की जो स्पेस अभी हमने 360 डिग्री की देखी, ये केवल राशि स्पेस से भर जाए ये जरूरी नहीं। तो हमारे लिए नक्षत्र एक और ऐसा समझने की चीज है जो हमको ज्योतिष को पढ़ने में, समझने में और उसको इंटरप्रेट करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। अभी हम जोडियक की स्पेस की बात कर रहे थे कि हमने देखा कि उसको हम 12 भाग में बांट के 12 राशि 30 डिग्री की बना दी। ये भार चक्र जो है, इसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम ज्योतिष में अनेक प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि तो अगर कोई कहे कि सूर्य केवल सिंह राशि में है तो ये पर्याप्त नहीं है, सिंह राशि की 15 डिग्री पर है। उससे जो ज्योतिष में वर्ग चार्ट छोटे छोटे बनते हैं, यहाँ की इस जोडिया का 1/21,000 का जो पार्ट है वो भी स्टडी किया जा करके, उसके ऊपर में भी निर्देश हैं पुराने क्लासिक्स में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु में, विशेष करके तमिल ज्योतिष जो थोड़े थोड़े डिफरेंट शब्द हैं और बहुत ही प्रिसाइज और कंजर्वेटिव ज्योतिष वहाँ रहा है। तमिल आप यह भी जानते होंगे कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत पाली ब्राह्मी सबसे ज़्यादा पुरानी। तो तमिल में आज से 60 साल पहले एक कृष्णमूर्ति जी ज्योतिष करना शुरू किया, उन्होंने इस जोडियक को विभिन्न रूप से बांटना शुरू कर दिया, और उनके फॉलोअर्स के जो आज रिजल्ट हैं वो अप्रत्याशित रूप से सफल है। इट इज अमेजिंग किस हिसाब से प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स केपी और उनके अनेक फॉलोअर्स हैं, एक के भास्करन हैं और नॉर्थ में एक खुल्लर साहब हैं, ऐसे कई लोगों ने किया, परंतु यह टेक्निक्स बड़ी सारी हैं। ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष के बारे में आप सबने अगर यहाँ बैठे हैं तो कहीं नहीं सुना होगा कि साहब वो आपका भूत
वर्तमान सब बता देते हैं, भविष्य का पता नहीं चलता, पर भूत वर्तमान बता देते हैं आपको सरलता से। अब आज हम जो ज्योतिष में राशि के अलावा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, विजिबल पार्ट है, वो है 27 नक्षत्रों का, उस पर हम बात करेंगे। वेद में कृतिका नक्षत्र का उल्लेख है। समस्त वेदों से लेकर महाभारत तक नक्षत्रों का बहुत बड़ा व्यापक इस्तेमाल हुआ है। यह जो फिक्स स्टार्स हैं, ये हमसे एक्चुअली देखा जाए तो कोई 2 लाइट ईयर या इतने दूर हैं कि शायद उनसे चली कोई अगर रेज है तो हमसे कोई 1000 पीढ़ी के बाद ही यहाँ शायद पृथ्वी पहुंचे, परंतु इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन द ज़ोडियक स्पेस। हमने सूर्य की संक्रांति को देखा, अब यहां देखिए चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा 27 दिन में एक अपनी साइकिल पूर्ण करता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स स्टार, एंड दिस इज कॉल्ड द साइडरियल ऑर्बिटल पीरियड। अगर किसी भी एक पॉइंट को हम ले लें, उस पॉइंट को चंद्रमा को वापस आने में 27 दिन लगता है। और चंद्रमा का जो ये मूवमेंट है, यह नक्षत्र का मूवमेंट है। चंद्रमा का मूवमेंट रात को नक्षत्र के थ्रू, नेचुरल लिंक विद द नक्षत्र बिकॉज ऑफ द डेली मूवमेंट ऑफ द मून। देखिए हमारी पंचांग बहुत विशिष्ट है, आज समय नहीं है इसमें जाने का, पर सूर्य से जब चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ जाता है तो एक तिथि बदल जाती है। सूर्य दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ा, चंद्रमा 12 डिग्री आगे बढ़ा, कुल मिला के 13 डिग्री चंद्रमा ने चला एक दिन में। वह 13 डिग्री का ही एक नक्षत्र हमने देखा और उसको जब ज़ोडियक में देखा तो बहुत क्लियर पैटर्न वहां मिले, वो हमें देखने को मिले। हम आगे ज्योतिष में देखेंगे कि इन 27 नक्षत्रों को जैसे हमने 120 डिग्री के 3 भाग उसमें बांटे, वैसे राशि में वैसे ही 120 डिग्री के 3 भाग हम इसमें बांटते हैं, जहां पर 9 नक्षत्र जो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह द्वारा जिनको ओनर माना गया है वो साइकिल्स में चलते हैं, और हर नक्षत्र में 4 भाग होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का ज़ोडियक का पार्ट है और उसके भी 4 पार्ट माने गए हैं, जो सब मिला के 27 में अगर 4 हम गुना करें तो हमारा बहुत शुभ नंबर 108 आता है। इसमें 3 डिग्री 20 मिनट के एक एक खंड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 9 के भाग में बांट करके हम आगे बढ़ते हैं। इनके डिटेल्स आपको यहाँ मैंने थोड़े से दिए हैं, आप देख पाएंगे, परंतु ये कहीं पर भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। जो सूर्य के नक्षत्र हैं वह हैं कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़। ये जो नक्षत्र हैं ये आपको बताते हैं कि हिंदू माह या मास कब होता है। कृतिका नक्षत्र में जब चंद्रमा पूर्ण होते हैं, मतलब कृतिका नक्षत्र में जब चंद्रमा पूर्णिमा को आते हैं तो कार्तिक माह बनता है, जो हमारे को हम इसको बहुत शुभ मानते हैं। पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा आते हैं तो पौष मास बनता है। माघ नक्षत्र बहुत हमारे को शुभ हम मानते हैं। माघ नक्षत्र में जब चंद्रमा आते हैं तो सूर्य कहाँ जाते हैं, संक्रांति पे जाते हैं। तो ये 9 से 3 का गुना करके हम 27 नक्षत्र को आए। आप अनुभव से, ज्योतिष की क्लासिकल टेक्स्ट से ये हमने पाया कि जो नक्षत्र में चंद्रमा जिस चल रहा है, आज चंद्रमा अभी विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहा है, गुरु की नक्षत्र है
और चतुर्थ चरण मतलब गुरु के नक्षत्र के जली चरण अर्थात नवांश में यह चंद्रमा मीन राशि में चला गया। ये बहुत शुभ चंद्रमा है फॉर द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन एंड द पर्पस ऑफ फाइंडिंग ए वे आउट ऑफ द कश्मकश जो जिंदगी की है उससे आगे निकलने का एक रास्ता है। हर नक्षत्र के मतलब नक्षत्र केवल के ऊपर में हम लोग कम से कम 3 या 4 क्लास कर सकते हैं। नक्षत्रों की बहुत ही विशेषताएं हैं और वो नक्षत्र पे यदि आप देखें और राशि पे देखें तो एक जोडियक के स्पेस में 2 इन्फ्लुएंस तो हमको अभी दिखने लगे, एक राशि का इन्फ्लुएंस और एक नक्षत्र का इन्फ्लुएंस। तो स्कॉर्पियो राशि में विशाखा का चतुर्थ चरण 3 डिग्री 20 मिनट जहाँ पे मंगल का इन्फ्लुएंस हो गया, जहाँ पे गुरु का नक्षत्र लॉर्ड का इन्फ्लुएंस हो गया और मीन राशि का इन्फ्लुएंस हो गया। तो देखिए अब धीरे धीरे ये हमारा जो ज्योतिष का गुणा भाग है ये और थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। यहीं पर हम ये आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। मैंने बहुत जल्दी में इस बात को करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, मैंने प्रयास किया कि 1 घंटे में पूरा कर लें। अब समय है कि हम अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो बहुत ज्योतिष मन का व्यापक है, अवश्य रूप से कुछ ना कुछ हम लोग इसको उत्तर दे सकते हैं। पूजा जी क्या आप सभी को अनम्यूट करेंगी क्या? मैं आग्रह करता हूँ कि सभी को अनम्यूट करें, जिनको कोई अगर प्रश्न पूछना हो तो अपना हाथ रेज करें और वैसे भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। या गुड इवनिंग सर, दिस इज अनंतरामय्या अनंता एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग अबाउट द राशीज 12 राशीज and also the nakshatras 27, how they are distributed, how actually the rashis are divided into Agni, Bhu, and Vayu Tattva Rasi, and Jal Tattva Rasi, and about the fixed signs. You are really given a very good understanding to us and very good illustration. Thank you very much, sir. And we still continue to learn furthermore in the next coming, forthcoming classes. Thank you. Thank you, Anantaji. Thank you so much for being present here and saying so. और कोई साथी कुछ पूछना या कहना चाहते हो तो कृपया अवश्य पूछें। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस प्लीज। या थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। I have several questions, but I think it will become quite long. But what I noticed was that most of us, while you have given a lot of details about the different zodiac signs, most of us know people who don't, who are not like their zodiac signs. So how do you explain that? Thank you. First of all, I was just describing the zodiac space here. Now, a sign means, it could be your sun sign, which means if you are born, let us say, in the last part of June, you are born into a particular sun sign, but it is not the sun sign which describes you. It is the ascendant, the sun sign, and the moon sign. In Jyotish, a minimum of 3 placements to decide how your persona would be, and the 3 make a combination of
1728 lighting combinations. Then you add various other positionings of the grahas into an individual chart. So therefore, what you see is a composite. ये एक सबका मिश्रण आप देखते हैं. You see a composite picture. And then there is one more interesting thing. In Jyotish, there is a concept of what we call the arudh or the perception. So you may be a very timid person, but you may appear to be a very aggressive person to others. On the other hand, by nature, you may be a very fun-loving and a happy person, but others may see you as a very serious person. So perception, in the Jyotish, there is a different set of attributes on which we can analyze. That is the Arudha Lagna. So I said, this is just the basic division of zodiac. The Rashis and the Nakshatra, they themselves, when they start merging, they produce a different picture from which have been only from Rashi. The Western astrology, that therefore becomes limited, and often as you said, that they don't really understand. So for that, because you really need to understand what people are, you probably get a full chart read by somebody who can understand it. Thank you. Good evening, sir. This is Aditya Narayan Awasthi. First of all, thank you for this wonderful session. I have one question in my mind, and that is that we know that the placement of planet is actually decided by the transition. I mean, in which sign the planet will be placed, that is decided by the transition. But how we calculate the ascendant of an individual? I mean, what would be the degree of ascendant? What sign would be the is going to be placed in the first house? How we can calculate that? Okay, now it's going beyond the scope of this particular class, but in very short, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एक latitude longitude होता है, वहाँ का एक particular sunrise का और sunset का time होता है. तो प्रत्येक जो राशि है, 12 राशियाँ, ये पूरे दिन भर में एक पूरा चक्र लगाती है. जैसे सूर्य पूरे जोड़िया का चक्र साल में एक बार लगाता है, वैसे ही लग्न जो है पूरे एक दिन में एक चक्र लगाता है. तो आज की तारीख अगर आप ले लें, तो आज की तारीख में सूर्य सिंह राशि में है, 15 डिग्री पे है. तो जब आज सूर्य उदय हुआ होगा भोपाल में, उस समय जो बच्चा जिसका जन्म हुआ होगा, वो सूर्य उदय पे उसका सिंह लग्न हुआ होगा, वो राशि राइज कर रही है. जब 8 बजे जन्म हुआ होगा, उसका सिंह के पहले कर्क में हुआ होगा. ऐसे पूरी 12 राशियां चलती जाएंगी. तो हर 2 घंटे में एसेंडेंट बदल जाता है, हर आधे मिनट में आपका डिग्री बदल जाती है कि आपको कहाँ जाना है. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट पहले ज्योतिष में बड़ा डिफिकल्ट होता था. आजकल सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपका चार्ट आ जाएगा. हेलो. यस प्लीज. सर, हो सकता है मेरा क्वेश्चन इस क्लास से थोड़ा सा अलग हो जाए, बट मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि असेंड, आपने अभी ब्लेंड वर्ड की बात की, तो जो अगर एक असेंडेंट के साथ जो साइन जुड़ा हुआ है और मून के साथ जो साइन जुड़ा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं सपोज, तो वो जो ब्लेंड आता है वो कोई एक ओवर पावर कर जाता है दूसरे को, या एक्चुअल ब्लेंड है? क्योंकि मून इज बेसिकली योर माइंड एंड असेंडेंट इज योर यू कैन से योर विजिबिलिटी. नो नो, एक्चुअली स्लाइटली मोर देन दैट. वी हैव अबाउट 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स इन दिस अर्थ, और ये 7 बिलियन यूनिक है, कोई दूसरे से मेल नहीं खाता. एवरी पर्सन इज यूनिक, सबका डीएनए यूनिक है, अलग अलग है. अब जो अभी निकल गया वो क्षण दोबारा नहीं आएगा. उस क्षण में जो कंपोजिट फल आएगा वो दोबारा शायद ना मिले देखने को. और उस क्षण में भी अगर 3 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका अलग अलग
इम्पैक्ट आएगा फॉर द थिंग्स अगेन दैट इज योर बर्थ टाइम और द चार्ट विच यू हैव इज जस्ट ए स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ योर बर्थ उसके बाद देर आर प्रोग्रेशंस देर आर दशा देर आर ट्रांसिट ग्रह लगातार मूव कर रहे हैं उन सबसे आपका जो पर्सोना है जो आपका बिहेवियर है सबसे इम्पैक्ट होता है टाइम के साथ इम्पैक्ट होता है तो कीप ऑन चेंजिंग सो इस चेंज को हम एक स्टैटिक में करके नहीं कर सकते एंड सबसे ज्यादा विच आई बिलीव दैट योर ओन कर्म मेक्स अ चेंज टू हाउ यू परफॉर्म तो कर्म जो है आपका वो डायनेमिक है करंट है और हर मिनट के साथ बदल रहा है मोमेंट आप यहाँ ज्योतिष की क्लास में बैठने आए ये आपका एक चॉइस था कि मैं ज्योतिष में कुछ सीखूंगा आपको किसी ने बताया कि साहब ये क्लास हो रही है दैट इज अ चांस विच यू हैड यू टुक अ चॉइस कि आप यहाँ बैठ रहे हो इसका एक कंसीक्वेंस होगा या तो आप ज्योतिष सीखोगे आप नहीं सीखोगे एंड सो ईच एवरी एक्ट एवरी चॉइस विच यू मेक मेक्स अ डिफरेंट कंसीक्वेंस एंड देयरफॉर इट इज नॉट वेरी ईजी टू पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट वर्ड्स यू have to sort of evaluate, weigh it and see how things are changing. People do not change very regularly. Obviously, बहुत ज़्यादा नहीं बदलते पर उनका एक जो combined persona है वो जो moon की आप बात कर रहे हैं उस moon पे किसका impact है अगर जो ascendant बैठा है उसमें ascendant में अगर Saturn अगर बैठे हैं तो फिर वो व्यक्ति बहुत कम बात करेगा और उसमें अगर Mercury बैठ गए हैं तो वो बोलता ही रहेगा तो what can you do about it? It's different, different things are different. तो ये दिस इज जस्ट ए बेसिक राशि स्पेस ऑफ द ज़ोडियाक विच यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव एडेड ए पिंच ऑफ नक्षत्र इन दैट अब इसमें तो अभी और बहुत सारी चीजें डालते रहेंगे तब खाना पकेगा ये तो अभी आपने रॉ मटेरियल केवल देखा है राइट थैंक यू तो आई एम ग्रेटफुल मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां हमारे साथ एकत्रित हुए एस्ट्रोवर्स परिवार में हम चाहते हैं कि आप ज्योतिष के बारे में इतना जान जाओ कि आप अखबारों में जो खबरें आती हैं कि आज नक्षत्र खराब हो गया और आज राशि खराब हो गई हमारे साथ डॉक्टर शमिता पांडे बैठी हैं वो कई बार उसे खबर सुन करके पूछती हैं कि बताओ इसका क्या नतीजा होगा इतना ज्योतिष आप सीख जाएं कि आप इन सभी से भयभीत ना हो ना आप राहु से भयभीत हो ना आप शनि से भयभीत हो शनि ना हो तो आप कभी परिश्रम ना करें राहु ना हो तो आप कभी इनोवेशन ना करें ना आप आठवें भाव से परेशान हो क्योंकि आठवां भाव मृत्यु का भाव नहीं है आठवां भाव सबकॉन्शियस से उन तत्वों को निकालने का भाव है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा बारहवां भाव उस इन्फिनिटी की ओर जाने का भाव है बारहवां भाव लॉस का भाव नहीं है जो सब लोग कहते हैं कि क्षय हो गया खत्म हो गया व्यय तो आपको करना है आप व्यय सबसे सरल चीज का कर दोगे अपने धन का कर दोगे तो बहुत अच्छा है अपने हेल्थ का व्यय करना पड़ा अपने समय का व्यय करना पड़ा अपने गुड फ्रेंड्स का व्यय करना पड़ा तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड the relative value of things. This is what these houses are there to tell us, and this is what this talent coming to us in each and life. So once again, I thank all of you for being here, and I invite you to the next class tomorrow on the bhavas. Because जब तक आप भाव नहीं समझेंगे, तो ज्योतिष को आगे नहीं बढ़ेंगे. Our very experienced teacher Nisha Sharma ji would be taking that class. And we wish you all a good night and hope that you will join us tomorrow at 6:30. Thank you so much. Namaskar.